बिहार सहित देश में नूपुर शर्मा मामले को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिन लोगों ने नूपुर शर्मा के खिलाफ बयान दिया है उनको जान से मारने की धमकी तक मिल रही है, और इसी क्रम में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति को भी जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने भी इस मामले पर बयान दिया था और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। खबर के मुताबिक देवज्योति के कार्यालय में एक पत्र भेजा गया है जिस पत्र में स्पष्ट तौर पे ये बातें लिखी गई हैं कि नूपुर शर्मा मामले में उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान के आधार पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। पटना से खबर निकलकर सामने आ रही है, कई हिस्सों में दंगे हुए हैं, कई हिस्सों में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है, और बात करें उत्तर प्रदेश की या झारखंड की या देश के कई हिस्सों की, तो जो खबरें निकलकर सामने आई, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई काफ़ी भयावह थी। अब इसी क्रम में देवज्योति जो वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनको जान से मारने की धमकी मिली है और जिसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय प्रशासन से कर दी है। लेकिन इस मामले को लेकर उन्होंने भी स्पष्ट किया है, विकासशील इंसान पार्टी समाज हित को लेकर चलती है, संप्रदायवाद को लेकर नहीं चलती है। वो भीमराव अंबेडकर, फूलन देवी और जुब्बा सहनी को मानने वाले लोग हैं, और जो लोग इस तरह का बयानबाजी करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी को लेकर देवज्योति को जान से मारने की धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पिछले दिनों पत्र के माध्यम से उन्हें इस बात की धमकी मिली है कि उनका जान ले लिया जाएगा, और कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि देवज्योति ने खुद की है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।